अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी4 प्रोग्रामिंग। लास्ट टाइम हमने नेबर अपनी प्रोजेक्ट में तैयार कर ली थी, आज हमने कैरेसल तैयार करना है। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कंटेंट उठा लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया डाटा, मैं यहाँ पे नैव बार के नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी कमेंटिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि जैसे हमारी चीज़ें बढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ एंड हो रही है। ओके, अब हम इस स्लाइडर के लिए इमेज ढूंढ लेते हैं, जिसके लिए मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ pixabay.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे शॉपिंग की तरह की हमें कुछ इमेजेस चाहिए, तो उस तरह से हम ढूंढ लेते हैं। तो कोशिश है कि सेम साइज़ की इमेजेस मिल जाएं हमें, क्योंकि हमें CSS का टाइम ना लगे हमारा और ज़्यादा काम हम बैकएंड पे कर सकें। तो कोशिश है कि सेम साइज़ की इमेजेस मिल जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सेम साइज़ नहीं मिल रहा, तो मुझे लग रहा है कि हमें CSS ही करनी पड़ेगी। मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज में अपना इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, क्योंकि जितना फोल्डर्स की आप अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे उतना कोड आपका इजीली मैनेज हो जाता है। ये मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये इमेजेस मैं अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट के फोल्डर में ले जाता हूँ। और HTDocs में हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारा प्रोजेक्ट पड़ा होगा रिसोर्सेज इमेजेस। यहाँ पे लगे मैंने पेस्ट कर दिए। इन सब के मैं नाम थोड़े आसान से रख लेता हूँ, मैं नॉर्मली नंबरिंग करके रखता हूँ ताकि वहाँ पे एड्रेस देने में आसानी हो जाए। और मैं सिंपली वहाँ जाके इमेजेस, जो स्लाइडर की इमेजेस हैं, उस पर मैं एड्रेस दे देता हूँ, जो कि हमारा रिसोर्सेज बन रहा है, रिसोर्सेज स्लैश इमेजेस स्लैश आगे जो भी आपकी इमेज का नाम होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप अपने मुताबिक जिस भी आपने तरतीब से चलानी है इमेजेस। मेरी यहाँ पे 1, 2, 3 हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट पे आगे कर लेता हूँ और साथ में नंबरिंग चेंज करता रहूँगा फॉर डिफरेंट इमेजेस।
अब आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी इमेजेस बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो ये चीज़ स्लाइडर में अच्छी नहीं लगती। मैं इसकी कुछ सेम विड्थ देने के लिए मैं थोड़ी सी CSS करता हूँ। हमारी जो इमेज का जो डिव है वो कैरसल डैश आइटम था, तो मैंने उसको पकड़ लिया CSS में। अब इसकी मैं CSS करता हूँ। ओवरफ्लो में हिडन कर देता हूँ क्योंकि इमेज जो है वो डिव से बाहर जा सकती है। और उसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट करने के लिए मैं इमेज को भी अंदर से 100% विड्थ दे देता हूँ और इसकी हाइट भी 100% दे देता हूँ, ताकि वो जितनी मैंने डिव की हाइट रखी है और विड्थ रखी है वो उसके मुताबिक बिल्कुल एडजस्ट कर जाए अंदर। तो ये देख सकते हैं हमारा कैरसल बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। इसकी थोड़ी हाइट थोड़ी और बढ़ा लेते हैं कि ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है। आई थिंक ये ठीक है। एंड देन हम इसके ऊपर अभी एक ओवरले आना है, उस पर काम करते हैं। इसको मैं एक और डिव में ले लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी मेन डिव होगी जो मैं ये स्लाइडर के नाम से बना ली है मैंने, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे दूँगा ताकि वो जो ओवरले है वो एक स्पेसिफिक डिव से बाहर ना जाए। जब मैं उसको पोजीशन अपसोल्यूट करूँगा तो वो हो सकता है कि डिव से बाहर चली जाए। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ ओवरले की, रिलेटिव कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी डिफ पे पोजीशन एब्सोल्यूट आए तो वो रिलेटिव के अंदर ही रहे। ये डिव हमारी ओवरले का काम करेगी।
इसकी हाइट मुझे उतनी रखनी पड़ी है जितनी मेरी कैरेसल आइटम की हाइट थी, क्योंकि ओवरले बाहर जाता अच्छा नहीं लगेगा। और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा ताकि ये इसके ऊपर ओवरले आ जाए। ये मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन की है। ये VS कोड में ये एक फंक्शनैलिटी होती है कि आप कलर दे के उसकी ओपेसिटी उसके ऊपर पॉइंट करके लैक्यून थोड़ी कम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ओवरले देना है, ओवरले मतलब नीचे वाली इमेज भी आपको नज़र आनी चाहिए और ऊपर हल्का सा एक कलर आता है। ये अभी पोजिशन एब्सोल्यूट की है, इसको भी टॉप ज़ीरो करेंगे देन वो ऊपर आ जाएगा। ये देखें हमारा स्लाइडर पे ओवरले लग गए, ये सड़क थोड़ी सी बेहतर लगनी शुरू हो गई हमारी। अब आपने एक चीज़ शायद गौर की हो कि हमारे ये आइकन्स नहीं चल रहे, क्योंकि ये जैसे ही ओवरले आया है हमारे पॉइंट्स जो हैं वो नीचे चले गए हैं। इसके लिए हम ये नीचे वाले जो पिन्स हैं ये ठीक हैं, क्योंकि इसकी जो जी इंडेक्स है वो इस ओवरले से ज़्यादा है। हम यहाँ से जो इसके एरोज़ हैं इनकी क्लासेस उठा लेते हैं और इसका जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं। मैं इंस्पेक्ट में जाके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। हमने क्लास तो सही लगाई थी वैसे। ओह, मैंने क्लास प्रीवियस की लगाई थी लेकिन मैं देख राइट वाला रहा था, लेकिन प्रीवियस वाला एरो ऊपर आ चुका है। देखिए वो थोड़ा डार्क भी लग रहा था। और अब मैंने रिफ्रेश कर दिया है और हमारे एरो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।